एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रियल होम मेकिंग वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो एज पर योर रिक्वेस्ट, आप सभी ने मुझे बोला था कि अपना मैं ससुराल का घर दिखाऊं, तो आज मैं आपको कराने जा रही हूं अपना होम टूर। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस पॉइंट से। तो ये देखिए, ये है हमारा लखनऊ का घर। आप कह सकते हैं ये है हमारा छोटा सा पैराडाइज। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद आती है ये पैटियो या ओपन स्पेस आप कहिए, इस तरीके से लगता है। और यहाँ पे है गैराज जहाँ पे पापा अपनी कार खड़ी करते हैं। और ये ओपन स्पेस इस तरीके से मम्मी ने डेकोरेट किया हुआ है, थोड़े से प्लांट्स वगैरह लगा के। ग्रीनरी देखने में बहुत ही सूदिंग लगती है आंखों को भी, और अच्छा भी लगता है। और ये पापा की साइकिल खड़ी है यहाँ पर। और हर इंडियन घर की तरह हमारे घर में भी अभी कपड़े सूख रहे हैं, डे टाइम है। और ये एंट्री गेट है जिससे हम अभी अंदर आए हैं। तो आइए अब चलते हैं घर के अंदर। तो ये मेन एंट्री गेट है हमारे घर का। और घर में आप एंटर करते ही आते हैं लिविंग रूम में। ये छोटा लिविंग रूम है ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे सिर्फ सोफा है और दोनों साइड मम्मी ने थोड़ा मनी प्लांट और गणेश आइडल्स लगा के डेकोरेट किया हुआ है। तो जब भी गेस्ट आते हैं हम लोग अपने सारे गेस्ट को यहीं पे बिठाते हैं। और ये देखिए, ये है व्यू हमारे लिविंग रूम का, या फिर आप इसे ड्राइंग रूम कहिए। और अब चलते हैं मेन अंदर घर में। तो और अंदर आते ही आती है ये डाइनिंग टेबल जो बरांडा में रखी है। और ये एक ओपन स्पेस है जहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन होते हैं, आप इसे आंगन कह सकते हैं। और ये देखिए, विंडो में भी मम्मी ने कितना सारा मनी प्लांट उगाया हुआ है। और ये है व्यू आंगन से। और डाइनिंग टेबल के एक साइड पे ये रखी है अलमीरा जहाँ पे मम्मी अपनी क्रोकरी डेकोरेट करके रखती है। जो भी एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं वो भी सब घर के यहीं पे रखे जाते हैं। और इसी वरांडा में है हमारी रेफ्रिजरेटर। और इसके साइड में जो ये आप वॉल हैंगिंग देख रहे हैं, ये मम्मी ने अपने हाथ से बुनी है। मम्मी बहुत ही क्रिएटिव हैं और ये सब काम मम्मी करती रहती हैं। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल मम्मी ने बनाया है। और अब चलते हैं किचन में। तो ये है हमारी छोटी सी किचन, अभी लंच बन रहा है। तो किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड आपको दिखेगी। मम्मी बहुत ऑर्गेनाइज करके रखती है किचन को। और ये सब कैबिनेट्स भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन है। और आप देखेंगे शेल्फ पे जितने भी डब्बे रखे हैं सब पे लेबलिंग हो रखी है, तो अगर कोई नया पर्सन भी किचन में घुसता है तो उसको पता रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। लाइक मी, जैसे मैं 2-2.5 साल में एक बार यहाँ आती हूँ, तो मुझे कुकिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आई। मुझे सब सामान पता रहता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो अब चलते हैं सामने वाले रूम में, इसे आप गेस्ट रूम बोल सकते हैं। ये रूम खाली ही रहता है। और ये देखिए, ये है रूम। इसे मम्मी और पापा एज अ स्टडी यूज कर लेते हैं। कभी कुछ रीड करना है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं सुबह उठ के, तो इसी रूम में बैठ के पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक अटैच्ड बाथरूम भी है। और ये ड्रेसर मेरी मम्मी की शादी का है, बिल्कुल एंटीक पीस है ये हमारे घर में। और ये देखिए, ये एक कैबिनेट है जहाँ पे मम्मी अपनी एक्स्ट्रा ग्रोसरीज जो होती हैं वो रख लेती हैं। और ये अलमीरा जो है इसमें पापा अपने कपड़े रखते हैं। और ये वुडन अलमीरा में मम्मी और पापा के सारी बुक्स रखी हुई हैं। मम्मी को बुक्स का कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मम्मी ने आज तक कोई भी बुक नहीं फेंकी, सारी बुक्स उनकी ऑर्गेनाइज्ड इस अलमीरा में रखी है। और एक और डोर है इसी रूम में जो लेके जाता है स्टोर रूम में। ये हमारे घर का ग्राउंड फ्लोर का स्टोर रूम है। यहाँ पे घर की जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं, देख ही सकते हैं आप सब, सूटकेस, बर्तन, जो भी एक्स्ट्रा हैं जो नहीं यूज़ होते, बक्से वगैरह। और प्रेस भी यहीं पे करती है मम्मी। और ये मेरा सूटकेस है। और इस रूम में एक और डोर है जो पीछे वाले आंगन में हमें लेकर जाता है। और ये देखिए, ये है हमारा पीछे वाला आंगन। यहाँ पे सब कपड़े धोने की फैसिलिटी है, यहीं पे वॉशिंग मशीन रखी है, तार लगी हुई है जहाँ पे कपड़े सुखाते हैं। तो मम्मी पापा के कपड़े तो यहीं सूख जाते हैं, बट आजकल मैं आई हुई हूँ तो कपड़े थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, इसीलिए बाहर भी डाल देते हैं। और ये आंगन भी काफी बड़ा है। और ये जाल है ऊपर वाले फ्लोर में, अभी मैं आपको लेके चलूंगी, दिखाऊंगी पूरा ऊपर वाला फ्लोर भी। तो
तो ये देखिए, ये रूम हमने देख लिया है और इसके एडजस्टिंग एक और रूम है, ये है मम्मी पापा का बेडरूम। तो चलिए अब मैं आपको अपने मम्मी पापा का बेडरूम दिखाती हूँ। ये अलमीराज हैं, मम्मी की सब इसमें ड्रेसेस रहती हैं, सूट साड़ी वगैरह मम्मी सब अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज करती हैं। और ये है मम्मी का ड्रेसर, आप देख ही सकते हैं मम्मी ने कितना अच्छे से इसे डेकोरेट करके रखा है। इसको थोड़ा सा मैंने क्लटर्ड कर रखा है, नीचे अपना सामान भी रखा हुआ है, बट अदरवाइज मम्मी बहुत इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। और इसमें भी एक अटैच्ड बाथरूम है। तो किचन के साइड में ही ये डोर है जहाँ से हम जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो चलिए ऊपर अब चलते हैं। और ऊपर है मेरा बेडरूम, तो अभी मैं आपको अपने बेडरूम में भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो ये देखिए, डोर खोलते ही यहाँ पे रखा है शू रैक, और अगेन मम्मी ने यहाँ पे कुछ मनी प्लांट से डेकोरेशन की हुई है। और अब हम चलते हैं ऊपर। तो ये देखिए, ऊपर के फ्लोर की ओरिएंटेशन ये है। आते ही एक खुला आंगन आपको दिखेगा और आंगन में जाल है। हमारा घर थोड़ा सा पुराने स्टाइल का बना हुआ है, इसीलिए जाल है, बट आजकल तो जाल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। बट जाल होना भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इससे हवा पास होती रहती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और ये देखिए, ये है डोर मेरे बेडरूम का, और ये डोर है हमारे भगवान जी के घर का, पूजा घर का आप कह सकते हैं। तो चलिए पहले पूजा घर में आपको मैं लेकर चलती हूँ। तो ये देखिए, ये है मम्मी पापा के घर का पूजा रूम। और इसके एडजेसेंट डोर से आता है एक और बड़ा वाला ड्राइंग रूम, हमारा ऊपर वाला ड्राइंग रूम। तो ये ड्राइंग रूम बहुत ही रेयरली यूज होता है, बिल्कुल न्यू है और क्लीन रहता है ये एकदम, आप देख ही सकते हैं। और इस ड्राइंग रूम में भी एक डोर है जो हमें लेके जाएगा एक और किचन में। ये छोटी सी किचन ऊपर वाले फ्लोर में भी बनी हुई है, बट इसे एज अ स्टोर यूज किया जाता है, बिकॉज इसकी कोई भी यूटिलिटी नहीं है हमारे घर में। तो ये देखिए, ये है ऊपर के फ्लोर की पूरी ओरिएंटेशन। ये डोर था जिससे हम ऊपर आए थे, ये डोर है मेरे बेडरूम का जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये है पूजा रूम और ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो चलो अब मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने बेडरूम में। ये हमारी शादी की फ़ोटो है, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। इसे एक्चुअली हमें वॉल पे हैंग कराना था, बट अभी हैंग नहीं हो पाई है ये, तो हमने इसे बेड साइड टेबल पे रखा है। और साइड में है मेरे ये ड्रेसिंग टेबल आप कह सकते हैं। दोनों साइड पे बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं और नीचे ये ड्रॉर्स बनी हुई हैं। तो ये मेरा ड्रेसर है और दोनों ही साइड पर मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई है। और ये देखिए, ये 360 व्यू है मेरे बेडरूम का। बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती, जैसा कि आप सभी जानते हो। और ये है अलमीरा और ये डोर है बाथरूम का, अटैच्ड बाथरूम है। और एक सोफ़ा है जिसमें मैंने अपना सारा सामान अभी रखा हुआ है। तो ये है मेरा सिंपल सा बेडरूम। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा ससुराल का घर। आप में से काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं अपना ससुराल का घर आप लोगों को दिखाऊं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, आप सब मेरे इतने प्यारे दोस्त हो, तो मैं डेफिनेटली अपना घर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आपको होम टूर कराऊंगी। तो यही छोटा सा एक ब्लॉग है जिसमें मैंने अपने ससुराल का घर आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं दोनों ही साइड से बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा भी बहुत ही सिंपल हैं, जैसा कि आप व्लॉग्स में देखते ही हो। और मेरे इन-लॉज के साइड पे भी हम बहुत ही सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं। अगेन आपने देखा, मेरी मम्मी बहुत ही सिंपल हैं, फादर इन लॉ उनसे भी ज़्यादा सिंपल हैं। और घर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा लैविश नहीं है, बट हर जगह आपको दिखेगा कि
थोड़ा थोड़ा मम्मी ने डेकोरेट किया हुआ है क्योंकि मम्मी को घर डेकोरेट करने का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत ही इनएक्सपेंसिव चीज़ों से मम्मी डेकोरेट करना चाहती हैं घर को। जैसे मम्मी ने जगह जगह प्लांट्स लगाए हुए हैं, थोड़ी बहुत डेकोरेशंस लगाई हुई हैं, शो पीसेस लगाए हुए हैं, इसी से ही घर बहुत सुंदर से मम्मी ने मेंटेन किया हुआ है और हर जगह आप देखेंगे कि प्रॉपर क्लीनलीनेस आपको दिखाई देगी एंड हैप्पीनेस इज फ्लोइंग ऑल अराउंड। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड स्पेशली इस कमरे को हर बार मम्मी ऐसे डेकोरेट करती हैं कि मुझे लगे कि मैं फर्स्ट टाइम इस रूम में आई हूँ। ये डेकोरेशंस जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं ये हर बार यही डेकोरेशंस रहती हैं बट वो कुछ ना कुछ चेंज इनमें, इनकी ओरिएंटेशन में, इनकी प्लेसिंग में ऐसे चेंज कर देती हैं कि हर बार जब मैं आती हूँ तो मुझे कुछ सरप्राइज लगता है और बहुत अच्छा लगता है अपने रूम को इस तरीके से डेकोरेटेड देखने में। एंड मम्मी बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं, हर हफ्ते मेरे ऊपर रूम की भी क्लीनिंग होती है जबकि कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। महीनों बीत जाते हैं जब मम्मी पापा यहाँ पे आके कभी बैठते होंगे बट मम्मी बहुत अच्छे से पूरे घर को मेंटेन करती हैं। जैसा कि आपने देखा पूरा घर बहुत क्लीन है। तो यही था मेरा एक छोटा सा हाउस टूर व्लॉग, होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी कनेक्ट करते हैं और थोड़ा सा भी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सिंपल फैमिली। और ससुराल के व्लॉग्स आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना अपना हाउस टूर भी आप लोगों को दिखाऊं, अपना रूम। जैसा कि मैंने US में ही आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अपना बेडरूम, अपना घर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी तो मैंने अपना प्रॉमिस रखा और अब आपकी बारी है, अब आपको अपना प्रॉमिस रखना है। इस वीडियो को एटलीस्ट 200 लाइक्स तो मिलने ही चाहिए एंड विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गोविंद से बाय बाय।